मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। काफी विवाद के बाद अब फाइनली टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी की आखिर 1 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह ने मुंबई पुलिस में काम्या पंजाबी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद कोर्ट ने एक दिन के लिए प्रत्यूषा बैनर्जी की आखिर फिल्म पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब सभी विवादों के बाद प्रत्यूषा की करीबी दोस्त काम्या फिल्म को रिलीज करने जा रही हैं। ये फिल्म मुंबई के कंट्री क्लब में 1 अप्रैल को शाम 4 बजे रिलीज की जाएगी। साथ ही काम्या ने दिए इंटरव्यू में कहा कि फिल्म देखने के बाद प्रत्यूषा का दर्द सभी लोग महसूस कर पाएंगे और जानेंगे कि वो किस दुख से गुजरी थी। पिछले दिनों प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज ने कई सारे आरोप लगाते हुए इस फिल्म की रिलीज के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद कोर्ट में दर्ज की गई शिकायत पर सुनवाई थी। लेकिन इस सुनवाई के दौरान काम्या या फिल्म से जुड़ा कोई सदस्य वहां नजर नहीं आया था, सिर्फ राहुल ने कोर्ट में हाजिरी लगाई थी। राहुल ने मानहानि के तौर पर 1 करोड़ रुपए की मांग की है। प्रत्यूषा की आखिरी शॉर्ट फिल्म का नाम हम कुछ ना कह सके हैं। ये फिल्म प्रत्यूषा ने सुसाइड के करीब 1.5 महीने पहले शूट की थी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।